मैं भारतीय इतिहास का एक भी ऐसा काल नहीं जानता जिसमें कट्टरपंथी हिंदू धर्म भारत में एकता या खुशहाली ला सका है। जब भी भारत में एकता या खुशहाली आई तो हमेशा वर्ण, स्त्री, संपत्ति आदि सहिष्णुता के संबंध में हिंदू धर्म में उदारवादियों का अधिक प्रभाव था। हिंदू दुनिया का शायद सबसे बड़ा पाखंडी होता है, क्योंकि वह न सिर्फ दुनिया के सभी पाखंडियों की तरह दूसरों को धोखा देता है, बल्कि अपने को धोखा देकर वह खुद अपना नुकसान भी करता है। दुनिया में सबसे अधिक उदास हैं हिंदुस्तानी लोग। वे उदास हैं क्योंकि वे ही सबसे ज़्यादा गरीब और बीमार भी हैं। कई हजार बरसों की गलती को सुधारने और न्याय व समता के नए युग का प्रारंभ करने के लिए द्विजों को वक्ती अन्याय सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। हिंदुस्तानी जीवन में जाति सबसे ज़्यादा ले डूबू उपादान है। जो सिद्धांत में उसे नहीं मानते वे भी व्यवहार में उस पर चलते हैं। जाति की सीमा के अंदर जीवन चलता है और सुसंस्कृत लोग जाति प्रथा के विरुद्ध हौले हौले बात करते हैं, जबकि कर्म में उसे नहीं मानना ही सूझता ही नहीं। जाति दुनिया में सबसे बड़ा बीमा कराना है। जाति से विद्रोह में हिंदुस्तान की मुक्ति है। भारतीय नारी द्रौपदी जैसी हो जिसने कि कभी भी किसी पुरुष से दिमागी हार नहीं खाई। ये विचार हैं प्रखर समाजवादी चिंतक, विचारक व राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के। उनके लेखों के संकलन वाली पुस्तक हिंदू बनाम हिंदू में संकलित हैं। तो किताबों की पाठशाला में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू बनाम हिंदू पर। स्वागत है आप सभी का सामाजिक न्याय की पाठशाला में। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आधुनिक भारत के प्रखर चिंतक, विचारक व राजनेता एक साथ रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने भारतीय समाज, संस्कृति व राजनीति के कई गंभीर मसलों पर अपनी लेखनी चलाई है, जिसका समग्र लेखन अनामिका प्रकाशन से प्रकाशित हो चुका है और आपको जरूर देखना चाहिए डॉक्टर लोहिया की समग्र लेखनी को। आज उस लेखनी की एक बानगी के तौर पर हम उनकी एक पतली सी पुस्तिका, जो असल में उनके कई लेखों व पत्रों का संकलन है, उसके जरिए यह संकेत और इशारा करना चाह रहे हैं कि आपको क्यों इस लेखक, विचारक व चिंतक, समाजवादी नेता को जरूर पढ़ना चाहिए। बेशक डॉक्टर लोहिया ने जिन परिस्थितियों और हालातों में अपनी कलम चलाई, आज हमारे दौर में हालात काफ़ी हद तक बदल चुके हैं, मगर जिन समस्याओं और मुश्किलों पर उन्होंने अपनी नज़र डाली, वे समस्याएं अब और गहरे रूप में हमारे सामने मौजूद हैं। तो अतीत से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि उस दौर में अगर वे चिंतक, विचारक ऐसा सोच रहे थे, तो आज 21वीं सदी के युवाओं को उन समस्याओं को किस रूप में देखना चाहिए। आप कई जगह पुराने पाठ के आधार पर डॉक्टर लोहिया या ऐसे विचारकों की लेखनी से सहमत और असहमत दोनों हो सकते हैं। आपके पास इन घटनाओं और मसलों पर राय मुख्तलिफ हो सकती है, मगर अतीत के वो पन्ने अपनी कलम में दर्ज इतिहास को समेटे हुए आपके सामने एक विश्व दृष्टि, इतिहास दृष्टि जरूर पेश करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में आज किताबों की पाठशाला में मैं आपके सामने एक बानगी पेश करने जा रहा हूं उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू बनाम हिंदू के। मैं खुद कई जगहों पर डॉक्टर लोहिया से इस पुस्तक में असहमत पाता हूं खुद को, मगर कई जगह लगता है कि वह विचारक आज से 70 साल पहले 60 साल पहले जिन मसलों को जिस बारीकी से देख रहा था, हमारे दौर में आज़ाद भारत में उन मसलों को बारीकी से नहीं देखा गया और वो मुश्किलें कई गुना बड़े रूप में रूप बदल कर हमारे सामने खड़ी हैं। तो आइए देखते हैं कि किन मसलों पर डॉक्टर लोहिया ने इस किताब में अपनी लेखनी चलाई है।
अगर विषय सूची की बात करें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वह लेख है जिसके नाम पर इस पुस्तिका का नाम, संकलन का नाम दिया गया है, हिंदू बनाम हिंदू। इसके आगे जाति और योनि के दो कटघरे, वर्ण वर्ग संगठन और शूद्र व्यक्ति अन्याय सहे, जातिवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ से संबंधित पत्र व्यवहार, पूंजीवाद और ब्राह्मणी पूंजीवाद, गुलामी, आजादी और उत्थान, श्री नायकर से भेंट, यानी ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, उनसे भेंट का पत्र व्यवहार और उसका उस समय का भी जिक्र इस चैप्टर में है। जाति प्रथा नाश क्यों और कैसे, जाति एक जाति दो, यानी दो भागों में ये लेख है, लखनऊ की बाभन बनिया राजनीति, जाति अध्ययन और विनाश संघ का घोषणा पत्र, भारतीय नारी द्रौपदी बने, योग्यता और अवसर किससे कुड़न, जाति प्रथा समस्या की जड़, जाति प्रथा और गुलामी, छोटी जातियां और भाषा। अगर आप विषय क्रम को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि बेहद अहम मसलों को जो छोटे छोटे लेख हैं, कहीं जो लोहिया जी ने भाषण दिया है, कहीं किसी पत्र में छापा है, कहीं किसी को जवाब लिख के भेजा है, उन सबको संकलित किया गया इस पतली सी पुस्तिका में जो लोक भारती प्रकाशन से छपी है, जिसे आप यहाँ ले करके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सबसे पहले अगर हम हिंदू बनाम हिंदू लेख का जिक्र करें तो 1950 में लिखा गया यह लेख हिंदू शब्द और हिंदू संस्कृति व धर्म को दो अर्थों में परिभाषित करता है, उदारवादी और कट्टरवादी हिंदू। डॉक्टर लोहिया का अप्रोच यह है कि हिंदू धर्म में ही नहीं कई धर्मों में दो तरह की शाखाएं रही हैं, उदारवादी और कट्टरवादी, जिनके चलते उनमें एक बिखराव हुआ, लेकिन हिंदू धर्म में वो बिखराव नहीं हुआ क्योंकि उदारवादी धारा ज्यादा मजबूत रही है और हर दौर में कट्टरवादी धारा कमजोर होती गई है। मगर कुछ मुश्किलें ऐसी हैं जिसने इस धर्म को सबसे ज्यादा मुश्किल में डाला, सबसे ज्यादा बुराई इस धर्म में आई, मगर कुछ चीजों को लोहिया मानते हैं कि वो इस धर्म की अच्छी भी रही है जिसने एकजुट रखा है। अगर इस लेख में आगे हम देखें तो डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि वह हिंदू धर्म में बंटवारा नहीं हो पाया। 4000 साल या उससे भी अधिक समय पहले कुछ हिंदुओं के कान में दूसरे हिंदुओं के द्वारा सीसा गलाकर डाल दिया जाता था और उनकी जबान खींच ली जाती थी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का नियम था कि कोई शूद्र वेदों को पढ़े या सुने नहीं। 300 साल पहले शिवाजी को यह मानना पड़ा था कि उनका वंश हमेशा ब्राह्मणों को ही मंत्री बनाएगा ताकि हिंदू रीतियों के अनुसार उनका राजतिलक हो सके। करीब 200 वर्ष पहले पानीपत की आखिरी लड़ाई में, जिसके फलस्वरूप हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज कायम हुआ, एक हिंदू सरदार दूसरे सरदार से इसलिए लड़ गया कि वह अपने वर्ण के अनुसार ऊंची जमीन पर तंबू लगाना चाहता था। करीब 15 साल पहले एक हिंदू ने हिंदुत्व की रक्षा करने की इच्छा से महात्मा गांधी पर बम फेंका था, क्योंकि उस समय वे छुआछूत का नाश करने में लगे थे। कुछ दिनों पहले तक और कुछ इलाकों में अब भी हिंदू नाई अछूत हिंदुओं की हजामत कराने को बनाने को तैयार नहीं होते, हालांकि गैर हिंदुओं का काम करने में उन्हें कोई एतराज नहीं होता। इस प्रसंग के जरिए आगे वो कह रहे हैं कि उदारवादी काल भी रहे हैं, जिसमें वो ज्ञान देव का जिक्र करते हैं, कबीर का जिक्र करते हैं, गुरु नानक का जिक्र करते हैं और लगातार ये कहते हैं कि कट्टरवादी जो दौर रहा है उसने नुकसान किया है, उदारवादी दौर ने हिंदुत्व के उस पक्ष को बचाया है जो प्रगतिशील दृष्टिकोण रखता था। और वो कहते हैं कि उदार हिंदुत्व तो पूरी तरह समस्या का हल नहीं कर सका, वो विविधता में एकता के सिद्धांत के पीछे सड़न और बिखराव के बीच छिपे हैं, इसको पहचान नहीं पाया, जो कट्टरवादी हिंदुत्व ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था को बचाकर हिंदू धर्म की रक्षा करने का जो अप्रोच था कट्टरवादी हिंदुओं का, उसने इसका नुकसान पहुंचाया, और गांधी की हत्या का जिक्र तक वो करते हैं। डॉक्टर लोहिया आगे ये कहते हैं कि ब्राह्मण बनिया मिलकर सदियों से देश पर अच्छा या बुरा शासन करते आए हैं, जिसमें कभी उदारवादी ऊपर रहे तो कभी कट्टरवादी, मगर ज्यादातर शासन इन ब्राह्मण बनिया तबके का ही रहा है। और डॉक्टर लोहिया आगे कहते हैं कि हिंदू शायद दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी होता है, क्योंकि वह सबको धोखा देने के साथ साथ खुद को भी धोखा देता है। एक जगह पर इस लेख में मैं गहरी असहमति, मेरी कई जगहों पर असहमतियां हैं, लेकिन जहां डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं है, उसके पहले मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं भगत सिंह कितना बारीकी से कह चुके थे कि ईश्वर नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार, डॉक्टर अम्बेडकर तो लिख चुके थे कि हिंदू धर्म कैसे शास्त्र और पाखंडों का एक पुलिंदा है,
वर्ण व्यवस्था का मुखालफत, वर्ण व्यवस्था की मुखालफत वाले धरातल पर देखें तो डॉक्टर लोहिया और अंबेडकर एक जगह है, मगर हिंदू धर्म को लेकर के दोनों का अप्रोच अलग अलग है, जहां डॉक्टर लोहिया की बहुत गंभीर आलोचनाएं भी होती हैं कि आप ये जो हिंदू धर्म का एक प्रगतिशील पक्ष रखते हैं, यह जिंदा रखता है कि वह कट्टरपंथी विचार के लोग जब भी मौका अनुकूल मिले वो उदारवादी हिंदुत्व को हमेशा के लिए दफन कर दे। तो इस लेख को अगर आप आज पढ़ेंगे तो यह लेख आपको वहां ले जाएगा, और शायद डॉक्टर लोहिया अगर आज होते तो ये कहते कि हिंदू धर्म के कट्टरवादी पक्ष को उदारवादी पक्ष के आधार पर हराना चाहिए, और उदारवादी पक्ष के आधार पर उसको हम अच्छा बना सकते हैं वर्ण स्त्री संपत्ति और सहिष्णुता के सवाल के आधार पर। डॉक्टर लोहिया जो कहते हैं कि हम सांप्रदायिकता की चुनौती और दक्षिण पंथ की चुनौती से मुक्ति पा सकते हैं, मेरा मानना है कि अगर आज डॉक्टर लोहिया होते तो ये भी विश्लेषण करते कि 70 साल में जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, जो आजकल भेष बदलकर हिंदुत्व और हिंदुइज्म की बहस खड़ा कर रहा है, वो डॉक्टर लोहिया शायद अगर अपनी बात को समझते कि उदारवादी हिंदुत्व वह जमीन बनाए रखता है जिस पर अनुकूल माहौल आने पर कट्टर हिंदुत्व हावी हो जाए, और वो अति करके हर तरह से उन्हीं वर्ण व्यवस्था जाति विरोधी तमाम आंदोलनों का बदनाम करना और जेंडर के प्रश्न को वह उस हद तक नुकसान पहुंचाए जो डॉक्टर लोहिया नहीं चाहते थे। तो ये इसलिए इस लेख को भी पढ़ना चाहिए कि वह एक अलग से संदर्भ बिंदु पेश करता है कि कैसे हिंदू धर्म के भीतर से ही, उसी खांचे के भीतर से ही कट्टर हिंदुत्व का विरोध किया जाए और उदारवादी प्रगतिशील चेतना वाले हिंदुत्व को बचाया जाए। क्योंकि डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि हिंदू धर्म कोई है ही नहीं, उसकी एक कोई किताब नहीं है, एक कोई देवता नहीं है, एक कोई उपासना पद्धति नहीं है। तो ये उनका विचार है, उनका राय है। मैं इस किताब को इसलिए रेकमेंड कर रहा हूं कि इसके आगे के चैप्टर बेहद खास हैं जिनको जरूर पढ़ा जाना चाहिए। मसलन इसके ठीक बाद का अध्याय जाति और योनि के कटघरे हैं। इसमें डॉक्टर लोहिया भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति जो बनते हैं उस पर एक प्रसंग लिखते हैं जिसको मैं कोट कर रहा हूं। भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति पुण्य नगरी बनारस में सार्वजनिक रूप से 200 ब्राह्मणों के पैर धोए। सार्वजनिक रूप से किसी के पैर धोना अश्लीलता है, इसे इस काम अश्लील काम को ब्राह्मण जाति तक सीमित करना दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए। इस विशेषाधिकार प्राप्त जाति में अधिकांशतः ऐसों को सम्मिलित करना जिसमें न योग्यता हो न ही चरित्र विवेक बुद्धि का पूरा परित्याग है, जो कि जाति प्रथा और पागलपन का अवश्यंभावी अंग है। राष्ट्रपति इस अश्लीलता का प्रदर्शन कर सके यह मुझ जैसे लोगों पर बड़ा अभियोग है, जो कि सिर्फ नपुंसक गुस्से में ही उबल सकते हैं, और उसे वह कहते हैं हिंदूवाद की निम्नतम नीचता है। और आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कम्युनिज्म से सवाल पूछते हुए कि जो लोग कहते हैं कि वर्ण आएगा तो वर्ग आएगा, अगर पूंजी आएगी तो वो जातिवाद को खत्म कर देगी। डॉक्टर लोहिया कहते हैं ऐसा नहीं होता। आगे इस ब्राह्मणों के पैर धोने की बात को वो कहते हैं कि अपने देश के राष्ट्रपति को सार्वजनिक रूप से इस तरह अपने आप को गिरने की इजाजत देने के लिए मैं प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को दोषी नहीं ठहराऊंगा, उन पर तो मेरा आरोप और भी बड़ा है। वह आदमी जो जाति प्रथा की समस्या पर अपनी छाप चालाकी से छिपा सकता है वह और भी घातक होता है। और यह बात राजेंद्र प्रसाद से ज्यादा कड़े लफ्जों में डॉक्टर लोहिया जवाहरलाल नेहरू के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद का जातिवाद तो दिख गया, नेहरू का जातिवाद दिख ही नहीं पाया, जो इस चीज पर को अनुमति देते हैं और उस पर चुप्पी साध देते हैं। यही है हिंदुत्व और हिंदुइज्म। एक बहुत लिबरल दिखेगा, बाहर से बहुत प्रगतिशील दिखेगा, लेकिन वो बारीक है, वो ज्यादा खतरनाक है, अधिक घातक है। इसलिए इस बात को पढ़ना चाहिए। इस पैर धोने की घटना को डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि राक्षसी नाटक है। हालांकि फिर इसमें एक सवाल आएगा कि जो राक्षसी संस्कृति है उस पर भी तो अब नए ढंग से सोचा जा रहा है। सुर असुर की डिबेट तो बदल गई है ना, बहुजन प्रस्पेक्टिव से राक्षस का भी एक नया दृष्टिकोण है। तो शब्दावलियों की अपनी सीमा है, दृष्टिकोण की अपनी सीमा है, मगर अप्रोच देखिए डॉक्टर लोहिया कितना प्रगतिशील ढंग से उस समय के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे लोगों पर उंगली उठा रहे हैं। आज उसी बनारस में जाकर के लोग पैर धोने का नाटक कर रहे हैं, और आज जब आप पैर धोने जिस तबके का पैर धोने की बात की जा रही है उसी तबके के सबसे ज्यादा अहित किए जा रहे हैं। तो देखिए चीजें कैसे बदली हैं, लेकिन चरित्र वही है।
और इसके आगे वो डॉक्टर लोहिया ये कहते हैं कि जिस दिन प्रशासन और फौज में भर्ती के लिए और बातों के साथ साथ शूद्र और द्विज के बीच विवाह को योग्यता और सहभोज के लिए इनकार करने पर अयोग्यता मानी जाएगी, उस दिन जाति पर सही मानी में हमला शुरू होगा, वह दिन आना भी बाकी। तो डॉक्टर लोहिया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, यहाँ यह महत्वपूर्ण सवाल है। अंतर जाति विवाह की बात डॉक्टर लोहिया कहते हैं, सहभोज की बात डॉक्टर लोहिया कहते हैं, और डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि मर्द और औरत के बीच जो गैर बराबरी है, फ्रांसीसी क्रांति के साथ उसको जोड़ते हैं कि औरतों को किस तरह से वह जगह नहीं मिली, रसोई की गुलामी औरतों को दी गई, और कांग्रेसी कम्युनिस्ट अथवा समाजवादी देश की सारी राजनीति में जानबूझकर अथवा परंपरा के द्वारा राष्ट्रीय सहमति का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, और वह यह है कि शूद्र और औरत को जो कि पूरी आबादी के 3/4 दबाकर और राजनीति से अलग रखो। इसलिए डॉक्टर लोहिया जेंडर का एस्पेक्ट उठाते हैं और कहते हैं कि दहेज किस तरह से बच्चियों के लिए त्रासद बन गया, उनके माँ बाप के लिए त्रासद बन गया है। खेती में ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें खुद मेहनत करने के बजाय खेत पट्टे पर दे देने से ज्यादा लाभ होता है। ठीक इसी तरह एक कम पढ़ी लिखी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी से अच्छी मानी जाती है क्योंकि उस पर दहेज कम मिलेगा। ये बहस का वो पक्ष है। यौन पवित्रता के सवाल पर डॉक्टर लोहिया कड़ा प्रहार करते हुए कहते हैं कि कैसे लोग ऐसा लगता है शादी के समय ऐसे लड़की देखने जाते हैं जैसे कोई घोड़ा खरीदने जा रहे हैं। तो ये एक बारीक समाजशास्त्री विश्लेषण है जिसके चलते इस किताब को पढ़ना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि यौन आचरण में केवल दो ही अक्षम्य अपराध हैं, बलात्कार और झूठ बोलना या वादा तोड़ना, दूसरे को तकलीफ पहुंचाना या मारना, और एक तीसरा भी जुल्म है जहां इससे बचना चाहिए। और उसके अलावा वो एक लिबरल ढंग से स्त्री पुरुष संबंधों के हिमायती हैं, वो आजाद ख्याली के हिमायती हैं। धर्म, राजनीति, व्यापार और प्रचार सभी मिलकर उस कीचड़ को सजो कर रखने की साजिश कर रहे हैं जिसे संस्कृति के नाम पर पुकारा जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि इन पर बात करनी चाहिए। जाति और योनि के इन विभत्स कटघरों को तोड़ने से बढ़कर और कोई पुण्य कार्य नहीं है। और इसके आगे एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर इस किताब में मिलेगा, वक्ति अन्याय सहें। कहते हैं कि समाजवाद बराबरी का सिद्धांत है, लेकिन जो कि गैर बराबरी में ब्राह्मण और बनिया अपना अब ये क्या लिखते हैं कि चुनाव अथवा नियुक्ति के लिए अगर योग्यता ही एकमात्र आधार हो तो बौद्धिक कामों में 5000 बरस पुरानी परंपरा वाली ऊंची जातियों को नहीं पाया जा सकता। जैसे वे पहले के समाजों में भी थे, समाजवादी समाज में भी वे ऊंचे ही बने रहेंगे। कई हजार बरसों की गलती को सुधारने और न्याय और समता के नए युग का प्रारंभ करने के लिए द्विज यानी सवर्णों को वक्ति अन्याय सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस दिन ब्राह्मण और बनिए अपना वर्चस्व समाप्त कर देंगे वह उनके लिए बड़ा गौरवान्वित दिन होगा, लेकिन पिछड़ी जातियों को की कमजोरियों से भी सजग रहना चाहिए, विशेषतः उनकी इस प्रवृत्ति से कि जब वे समृद्ध अथवा शक्तिशाली बनते हैं तो वे ऊंची जातियों की आदतों और तरीकों की नकल करने लगते हैं। डॉक्टर लोहिया सजग करते हैं कि पिछड़ी जाति के लोग सवर्णों को कॉपी न करें, वो उनके जैसे मत बने, वो उनके जैसे बनना गड़बड़ है। जाति प्रथा के विरुद्ध क्रोध और उसको नाश करने के सुनियोजित प्रयत्न को ऊंची जाति वालों के खिलाफ कटुता में नहीं पड़ने देना चाहिए। यही तो सामाजिक न्याय की पक्षधरता है। हमें आपसे विरोध नहीं है, लेकिन आपने जो अन्याय किया है उसके लिए आपको अपना अन्याय सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ये बात कह रहे हैं, सवर्णों को हजारों साल का जो अन्याय है उसके खिलाफ जब समानता की लड़ाई हो तो उस अन्याय को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे शरीर के भिखारी हैं पर अपने को बुद्धि का मालिक मान बैठे हैं। कौन? जाति प्रथा के चमत्कार ने मानवता के इन 8 या 9 करोड़ महरूम लोगों को यथास्थितिवाद का समर्थक बना दिया, यानी सवर्ण अक्सर यथास्थितिवाद का समर्थक होते हैं। जातिवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अध्याय में वो लिखते हैं कि अब तक जितने सुधारवादी आंदोलन हुए सब के सब सनातन हिंदू व्यवस्था द्वारा उदरस्त कर लिए गए और जातिवाद का भयानक दलदल अभी भी बना हुआ है। यह दलदल इतना गहरा है कि बड़ा से बड़ा पत्थर इसके गर्भ में कहाँ चला जाता है कुछ भी पता नहीं चलता। जब तक यह दलदल सुखा नहीं दिया जाता भारत में जातिवाद का नाश नहीं हो सकता। तो इस तरह से डॉक्टर अंबेडकर और जगजीवन राम की तुलना करते हैं पिछड़े जातियों और उनके जो जो कठोर कदम है जातिवाद के खिलाफ लड़ाई का, उससे डॉक्टर लोहिया सहमत नहीं होते। आप बेशक उससे असहमत हो सकते हैं, डॉक्टर लोहिया एक लिबरल ढंग से सोच रहे होते हैं।
कि अभी समाज उतना तैयार नहीं है कि हम कट्टर ढंग से राम के पुतले जलाएं या बहुत सवर्णों के खिलाफ बोलें, इसके लिए समाज तैयार नहीं है। मगर मैं एक सवाल पूछता हूं कि डॉक्टर लोहिया आज होते और वो देखते कि कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जज जो नियुक्तियां हो रही है, जहां न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, मीडिया में आरक्षण नहीं है, वहां कौन लोग बैठे, तो डॉक्टर लोहिया अपने इस राय पर जरूर बदलाव रखते और कैसे कहते कि भाई हम कट्टर ढंग से भी जाति के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ से पत्र व्यवहार इसमें मिलेगा, जिसमें डॉक्टर लोहिया लगातार जाति के प्रश्न को उठाते हैं और समाजवादी तरीके से उसे व्यक्त करने की बात करते हैं। एक पत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, पूंजीवाद और ब्राह्मणी पूंजीवाद पर, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु से उनका संवाद है। चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु कहते हैं, पाश्चात्य पूंजीवाद और भारतीय ब्राह्मणी पूंजीवाद ब्राह्मणवाद दोनों की जड़ें सींचता है, अतः जब तक यहाँ ब्राह्मणवाद का मूलोच्छेद नहीं होता, समाजवाद की कल्पना केवल स्वप्न की चीज रह जाएगी। और यह पत्र लिखते हैं लोहिया को, तो लोहिया उसका जवाब देते हैं कि मुझे ब्राह्मणी पूंजीवाद अगर आप कहते हैं तो उससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं भी कई दफे कह चुका हूं कि ब्राह्मण राजनीति से देश को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन बिना सोशलिस्ट संगठन बढ़ाए कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ आगे और पत्र हैं गुलामी आजादी और उत्थान के नाम से। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण जिक्र मिलेगा श्री नायकर से भेंट का, 23 जनवरी 1958 को वो मुलाकात हुई। डॉक्टर लोहिया उनसे अपील करते हैं कि आप द्रविड़स्थान की मांग, हिंदी विरोध और गांधी की तस्वीरें जलाना, ब्राह्मणों के प्रति हिंसा, इन सब का विरोध कर दीजिए, संविधान की पवित्रता को बताइए, तो हम आप मिलकर काम करेंगे। पेरियार कहते हैं कि ये चीजें तो गौण हैं, प्रमुख लड़ाई तो जाति प्रथा से है। मैं फिर कहता हूं कि मैंने कभी भी ब्राह्मणों के खिलाफ हिंसा नहीं उभारी, पिछले 10 वर्षों में हमारे संगठन के मुखपत्र विदुदलय ने कभी हिंसा की बात नहीं की। लोहिया कहते हैं इन गौण चीजों को छोड़ने पर आप विचार करें। दोनों इस बात पर सहमत थे कि नायकर की रिहाई के बाद वे फिर मिलेंगे और इस दरमियान श्री नायकर इन सुझावों पर विचार करेंगे और फिर अलग हुए। जाति प्रथा नाश क्यों और कैसे, यह अध्याय बेहद महत्वपूर्ण अध्याय इस पूरी पुस्तक का, जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि जाति दुनिया में सबसे बड़ा बीमा कराना है, जिसके लिए किसी को कोई औपचारिकता अथवा नियमित बीमा किस्त नहीं देनी पड़ती और लाभ जरूर मिलता जाता है। वो लगातार ये कहते हैं कि वोट देने की प्रक्रिया से लेकर के आपके व्यवहार में एक सुरक्षा और प्रिविलेज मिल जा रहा है, जिसके चलते लोग जाति को अपनाए हुए हैं, 10% लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि 90% आबादी को इसने दर्शक बनाकर छोड़ा है, देश की दारुण दुर्घटनाओं के निरीह और लगभग पूरे उदासीन दर्शक। किसी भी देश के लिए यह सबसे बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए कि आपने 90% जनता को हर चीज से बाहर अगर कर दिया है, तो फिर आप कैसे देशभक्त हैं और कैसे आप इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस लिहाज से यह लेख बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आगे वो कहते हैं कि कुछ तबकों को, कभी कभी बड़े तबकों को नाराज करने पर ही बड़े सामाजिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। डॉक्टर लोहिया बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं कि जाति उन्मूलन के लिए आपको अगर किसी को नाराज करना है तो भी आपको इसका पक्ष लेना चाहिए। और वो कहते हैं कि ऊंची जातियां भ्रांति का जाल बुनती हैं, झूठ बोलती हैं, झूठे प्रोपेगेंडा से अपनी जाति के वर्चस्व को बनाए रखना चाहती हैं। उनके पास ऐसे किस्से कहानियां हैं जिनसे वे अपनी गिरी हुई हालत का औचित्य बतलाते हैं और फिर उसे त्याग और ओजस्विता का प्रतीक मानते हैं और तमाम मेहनतकश जातियों को अपमानित करते हैं। जाति से विद्रोह में हिंदुस्तान की मुक्ति है, या कह सकते हैं ऐसा अभूतपूर्व और अब तक अनुपलब्ध अवसर आया है कि जब जाति के विद्रोह हो, इसलिए जाति के विद्रोह की बात करते हैं। डॉक्टर लोहिया कुछ जगहों पर यहाँ आरोप भी लगाते हैं कि जाति के नाश की लड़ाई ने जातियों को मजबूत भी किया, लेकिन मेरा मानना है कि यह उसका एक क्रम है, एक चरण है, इसे इस रूप में देखना चाहिए। आर्थिक कार्यक्रमों से लेकर के तमाम तरह की चीज़ों में डॉक्टर लोहिया इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि जाति को लेकर के 3 तरह का अप्रोच रखते हैं लोग जाति के नाश पर, एक जबानी, दूसरा सतही और तीसरा वास्तविक। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि अधिकांश सवर्ण द्विज जातियों के भीतर या अधिकांश लोग जबानी तौर पर जाति का विरोध करते हैं या सतही तौर पर करते हैं, वास्तविक तौर पर जो जाति का विरोध और जाति के नाश करने की बात करता है उसके लिए डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि
आदमी और आदमी को बराबर बनाएगा, वो समरसता वाला नहीं समानता की बात करेगा, सबको समान अवसर मिले, सबको बराबर का हक मिले, तो मेरिट वेरिट का तर्क झूठा हो जाएगा। डॉक्टर लोहिया इसलिए यहां पर बात करते हैं और बौद्धिक वर्ग किसे कहते हैं कि आप उस पूरे उन्मूलन की लड़ाई का नेतृत्व मत करिए, आपको नजरिया बदलना चाहिए ताकि आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। और नेतृत्व वाले सवाल पर कांग्रेस और कम्युनिस्टों को घेरते हुए डॉक्टर लोहिया लिखते हैं कि किसी भी बड़े पैमाने के में विशेष अवसर देने के खिलाफ ये दोनों लोग हैं। वे उसे जाति प्रेरित कदम कहकर उसकी निंदा करते हैं, जबकि वे स्वयं शायद अनजाने ही दुष्ट जाति भावना से भरे हुए हैं, कांग्रेसी और कम्युनिस्ट। आज अगर डॉक्टर लोहिया होते तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म की बीच की जो बारीक खेल है इसको लेकर के जो लोग नेतृत्व के सामने हर तबके के नेता वही बनना चाहते हैं इसकी आलोचना करते। डॉक्टर लोहिया कहते हैं कि 80% लोगों का नेतृत्व 20% लोग कर रहे हैं, इस देश की सबसे बड़ी अक्षमता है और राष्ट्र की नुमाइंदगी दरअसल वो है ही नहीं। डॉक्टर लोहिया इस लेख में आगे वो लिखते हैं कि कैसे सामाजिक न्याय की शिक्षा देनी चाहिए, ऊंची जातियों से जो भेदभाव है वो महिलाओं के विरोध में भी है, वो जनेऊ का पक्ष लेता है और मेरिट के झूठे तर्क के आधार पर बहुत बड़े तबके को, जिसमें औरतें, शूद्र, दलित, मुसलमान और आदिवासी, इनकी बात करते हुए कहते हैं कि ये सब लोगों को पिछड़ा बनाए रखने की बात कर दी गई है। और डॉक्टर लोहिया आगे जाति को लेकर के दो लेख लिखते हैं जिसमें जाति की अपनी संकल्पना को बहुत विस्तार में विश्लेषित करते हैं कि जाति संरचना कैसे इस पूरे भारतीय लोकतंत्र को, भारतीय समाज शास्त्र को भीतर से खोखला बनाए हुए, पिछड़ी जाति और दबे हुए समुदायों को, औरत, शूद्र, दलित, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यकों को, कि पिछड़ी जातियों को राजनीतिक पार्टियों, राष्ट्रीय अर्थतंत्र और सरकारी नौकरियों में ऊंची जगहों पर विशेष अवसर देने के बाद डॉक्टर लोहिया कहते हैं अंतर जाति अथवा अंतर समूह विवाह सरकारी नौकरी के लिए अपरिहार्य शर्त होनी चाहिए। ये टिप्पणी डॉक्टर लोहिया की है, रसोई में औरत की जगह मर्द हो तब जाके बराबरी की बात आएगी। तो इस तरह से डॉक्टर लोहिया ने जो सदन में एक राय रखी अपनी आम बातचीत में कि जाति अध्ययन और विनाश संघ का घोषणा पत्र, इसके लिए यह बात उन्होंने 1960 में रखी थी कि हिंदुस्तान की प्रतिनिधि नारी द्रौपदी है न कि सावित्री। विदेशी हमलों के सामने घुटने टेक देने की बात केवल इसलिए हुई क्योंकि आपने एक बहुत बड़े तबके को उदासीन बना रखा है। आगे टिप्पणी में 1960 में वो भारतीय नारी को द्रौपदी की तुलना करते हुए कहते हैं कि योग्यता और अवसर की सिकुड़न, 90% आदमियों को जानवर से बदतर की हालत में रखना, ये इस देश के खिलाफ है, समस्त जाति प्रथा समस्या की जड़ है। और वो ये कहते हैं कि 90% लोगों को जब तक बराबरी का न्याय नहीं मिलेगा तब तक जाति प्रथा गुलामी का पर्याय बनी रहेगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये पूरी पुस्तिका तमाम उन लेखों और टिप्पणियों का संग्रह है जो आज भी हमारे सामने मौजूद है। आप डॉक्टर लोहिया की कई धारणाओं से असहमत हो सकते हैं, मसलन मैं खुद इसमें कई जगहों से खुद को असहमत पाता हूं, मगर अतीत और परंपरा में समस्याएं अगर साझा हैं, संघर्ष साझा है, तो हमको न्यूनतम सहमति और अपनी अतीत की जड़ों को जोड़ने के लिए अपने विचारकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। सहमति असहमति के साथ हमें अपने इतिहास को जानने के लिए अपने संघर्षों के पुरखों को जरूर पढ़ना चाहिए। इस लिहाज से मैं आपको जाति के विनाश और एक समाजवादी समाजशास्त्री विश्लेषण के लिहाज से हिंदू बनाम हिंदू और डॉक्टर लोहिया की तमाम लेखन को पढ़ने की अपील करूंगा। और खासकर आपको जाति पर उनकी समझ को लेकर के आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपको ये बातचीत कैसी लगी, मैंने केवल शुरुआती संकेत किया है, विस्तार में तो आपको उनके लेखों और लिखे हुए को पढ़ना चाहिए। हजारों पन्ने में उनके लिखे हुए को दस्तावेजों को संकलित किया गया, मैंने एक परिचय दिया, एक वानगी दी है, ये वानगी आपको कैसी लगी आप टिप्पणी करके जरूर बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। और अगर ये पसंद आ रही है बातचीत तो इसे लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइएगा, अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और किताब के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।